नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा भगवान श्री कृष्ण जी को पालने वाली यशोदा मैया का घर। और ये जो घर है ये मथुरा से करीब 12 किलोमीटर दूर गोकुल में स्थित है, और आज भी यशोदा मैया का घर इन गोकुल की गलियों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, आगे चल के आपको यशोदा मैया का घर दिखाते हैं। और आप ये देख सकते हैं ये है गोकुल की गलियाँ, और इन गलियों में आज भी आपको बहुत ही प्राचीन आपको घर देखने को मिल जाएंगे। और इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप हजारों साल पीछे चले गए हों। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको यशोदा मैया का वो घर भी दिखाएंगे। इन गोकुल गलियों में जब आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अनेक घर आपको बहुत ही प्राचीन आपको देखने को मिलते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी का कंस के कारागार में उनका जन्म हुआ था, तो कंस के अत्याचार से बचने के लिए कृष्ण के पिता वासुदेव ने अपने बेटे को लेकर यमुना नदी पार कर यहीं पर यशोदा मैया के घर चले आए थे, ताकि कंस के अत्याचार से उनको बचाया जा सके। और आज भी यशोदा मैया का घर इन गोकुल की गलियों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, हम आपको पूरा दिखाएँगे यशोदा मैया का घर। यहीं से हमको अंदर एंट्री करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी गया है कृष्ण द्वार। और आइए हम चलते हैं इन गोकुल की गलियों में। इन गोकुल की गलियों में भी आप चलेंगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप हजारों साल पीछे चले गए हों। बहुत ही प्राचीन इन गलियों में आपको घर देखने को मिलेंगे। और इन्हीं गोकुल की गलियों में भगवान श्री कृष्ण जी का बचपन बीता था। यही वो द्वार है जो कि सीधा ही आपका यशोदा मैया के घर जाता है। दोस्तों तो चलिए अब हम आपको यशोदा मैया का घर दिखाते हैं। और सच में ये जो गोकुल है बहुत ही एक धार्मिक और आध्यात्मिक जगह है, और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को ऐसे जगहों पर आना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में जानना चाहिए। तो आप मथुरा, गोकुल, बरसाना, वृंदावन, आप कहीं भी जाएंगे आपको भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई चीज़ें ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और इन गोकुल की गलियों में चलने पर आपको एहसास भी होने लगेगा जैसे हम हजारों साल पीछे चले गए हों। तो कुछ ऐसा ही फील हो रहा है इन गोकुल की गलियों में चलने पर। ठीक मेरे सामने दोस्तों आप देख रहे हैं यही है यशोदा मैया का घर, जो कि हजारों साल पुराना इसे बताया जाता है। और आज भी ये भवन आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी को पाला गया था, उनका बचपन बीता था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को जन्म देने वाले उनकी माता देवकी थी, लेकिन पालने वाली यशोदा मैया थी। तो यशोदा मैया ही कृष्ण जी को पाल पोसकर उन्होंने बड़ा किया। आइए दोस्तों अब हम यशोदा मैया के घर के अंदर चल रहे हैं और देखते हैं कि इस भवन के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। ज़रा सोचिए कि इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी, उनका बचपन बीता था, यहीं पर वो माखन चुराया करते थे। और उनको देखने के लिए बहुत सारे आसपास के लोग भी आते थे कि ये देवकी का पुत्र है, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी एक विष्णु के अवतार भी माने जाते थे, और कंस का भी नाश इन्होंने ही किया था जो कि उनके मामा थे। अंदर दोस्तों आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही प्राचीन आपको ये एंट्री गेट का ये दरवाज़ा भी जो देखने को मिलेगा, जो कि देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये उसी ज़माने का ये दरवाज़ा आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो घर है पूरी तरह से पत्थरों द्वारा निर्मित है, और इसे यशोदा मैया का घर बताया जाता है। तो आइए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि कैसा है ये यशोदा मैया का ये घर। इनके आसपास आप देखेंगे तो आपको बहुत ही प्राचीन आपको घर देखने को मिलेंगे। और जरा से हजारों साल पहले आप जाइए और सोचिए कि हर जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी, उनका बचपन बीता था, खेलते थे, कूदते थे, तो इसी घर में उनका बचपन बीता था। और आज भी आप यहाँ पर आएंगे तो यशोदा मैया के घर में आपको भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको
देखने को मिल जाएंगे। उनका रहने का स्थान, जहां वो माखन चुराते थे वो जगह, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके एक साइड में देखेंगे तो आपको एक उनके जो क्या बोलते हैं मौसी पूतना की, आपको यहां पर एक चित्रकारी भी की गई या फिर मूर्ति है शायद। तो जो पूतना थी वो कृष्ण भगवान की मौसी थी, उनका भी यहां पर आपको एक मंदिर भी आपको देखने को मिल जाएगा। लोग इनका भी दर्शन करने के लिए आते हैं। इनके दीवारों पर, इनके पत्थरों पर आप देखेंगे तो आपको भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई चीज़ें ही आपको देखने को मिलेंगे। और आप देख सकते हैं यही है वो आंगन जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी बचपन में खूब खेला करते थे, माखन चुराया करते थे। और इसके एक साइड में आपको बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जहां पर लोग दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। तो इस यशोदा मैया के घर आप आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखकर ऐसा लगेगा जैसे सच में यहां पर आज भी भगवान श्री कृष्ण जी का वास है। तो कुछ ऐसा ही फील हो रहा है इन सब चीज़ों को देखकर। इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी का बचपन बीता था। हर कोने में, हर कमरे में वो जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, मस्ती किया करते थे। कहते थे ना कि इंसान का जो बचपन होता है वो इस तरीके से बीतता है कि एक यादगार बन जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जी का बचपन भी कुछ इस तरीके से बीता कि पूरी दुनिया इस चीज़ को जानने के लिए और समझने के लिए इस मथुरा गोकुल बरसाना में आती है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी दोस्तों अपने जीवन काल में ऐसे जगह पर एक बार जरूर आना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण जी को जानना चाहिए। यशोदा मैया के घर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं और इन सारे कमरों में भगवान श्री कृष्ण जी खूब खेला करते थे, मस्ती किया करते थे, माखन भी चुराया करते थे। तो जब आप यहां पर आएंगे तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, ऐसा लगेगा जैसे आपको साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन हो गए हों। तो इन सब चीज़ों को देखकर सच में बहुत ही आनंद आ रहा है। तो यही है दोस्तों यशोदा मैया का घर। तो आप लोग भी अपने जीवन काल में एक बार इस यशोदा मैया के घर आप जरूर आइएगा। मथुरा से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर ये गोकुल में स्थित है यशोदा मैया का घर। तो इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी वीडियो सिर्फ आपके लिए लाता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।